बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड द लिलीज। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बंग आवाज। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहली सूची जारी कर दी है अपने प्रत्याशियों के नाम की भारतीय जनता पार्टी ने, और इसके साथ ही भोजपुरी स्टार अभिनेता स्टेज परफॉर्मर सिंगर पवन सिंह के नाम को भी हरी झंडी दे दी गई आसनसोल की लोकसभा सीट से। आज इसी पर करेंगे चर्चा। सब्सक्राइब कीजिए बंग आवाज, जुड़े रहें। আদিমোহিনী মোহন কান্দিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি খুশির ঈদের জন্য রয়েছে শিফন গাউন ক্রপ টপের রকমারি, তার পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদিমোহিনী মোহন কান্দিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড অপোজিট অফ ভেটেরান পেট্রোল পাম্প। তো আখিরকার পবন সিং কো আসানসোল সে টিকট দেকর বিজেপি নে বাঁচা লিয়া বিহার। जी हाँ, सही सुना आपने। बिहार की राजनीति में जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है, उस पर से पवन सिंह की निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकियां। भारतीय जनता पार्टी यहां से बिल्कुल भी रिक्स लेने के मूड में नहीं थी, और इसीलिए आसनसोल की सीट से घोषित कर दिया पवन सिंह का नाम। भोजपुरी सिंगर अभिनेता और स्टेज परफॉर्मर की पहचान है पवन सिंह की। निजी जीवन में घिरे रहते हैं विवादों में, खासकर महिलाओं को लेकर। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर वोकल फॉर लोकल का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों का चयन करते समय कहां दबा देती है इस स्लोगन को। पवन सिंह बिल्कुल अपरिचित है आसनसोल से, उतना ही जितना आसनसोल के बंगला भाषी मतदाता। और अब इस कमी को दूर करने की जिम्मेदारी भी आएगी आसनसोल के ही स्थानीय बीजेपी नेताओं पर। पवन सिंह आधिकारिक तौर पर अपने नाम की घोषणा का कर रहे थे इंतजार, और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जताया है बीजेपी का आभार। लेकिन उम्मीद टूटी उन स्थानीय नेताओं की जो इस दौड़ में शामिल थे। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल, पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी और कृष्णेंदु मुखर्जी, इन पर भरोसा नहीं जताकर भाजपा ने बाहरी प्रत्याशी पर जताया है भरोसा। अब देखना यह होगा कि बिहारी बाबू बनाम बिहारी भैया में किस पर जताती है आसनसोल की जनता भरोसा। फिलहाल आपको सुनाते हैं सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पवन सिंह और बीजेपी के लिए क्या प्रतिक्रिया दी। उन लोगों ने जिस तरह से नाम अनाउंस किया है और जिन जिन नामों को अनाउंस किया गया, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि वो अपना ही हित नहीं सोच रहे हैं, अपने साथ साथ शायद वो विपक्ष का भी और टीएमसी का हित भी सोच रहे हैं। तो इसलिए तो मैं कहूँगा, इस सोच के लिए उनको बधाई देता हूँ। लेकिन वो कुछ भी कर लें, कोई भी नाम अनाउंस करें, कितने लोगों का टिकट काटें, कितने लोगों को कट फॉर सीट करके इधर का उधर, उधर का इधर करके उलट फेर करके लाएंगे, 400 पार या 370 ये भूल जाएं, किसी कीमत पर संभव नहीं है। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर की छोटी बड़ी घटनाओं को फटाफट। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में।
साथ ही वहां फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। आसनसोल फिश मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का हुआ चुनाव। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष पदों के लिए 6 उम्मीदवार थे मैदान में। 70 मतदाताओं ने बैलेट पेपर से किया मतदान। पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद इलियास को मिली मात। इजहार आलम से 21 के मुकाबले 26 वोटों से दी शिकस्त। इजहार आलम बने नए अध्यक्ष। सचिव बने मोहम्मद सज्जाद हुसैन, उन्हें मिले 39 वोट, जबकि उनके प्रतिद्वंदी संतोष को मिले केवल 8 वोट। कोषाध्यक्ष चुने गए मोहम्मद जाहिर। रानीगंज के जेके नगर 18 नंबर स्थित बाबा धानेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में चल रहा है 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ। की गई भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, लक्ष्मी नारायण, शनिदेव, सरस्वती, दक्षिणा काली की मूर्ति की गई स्थापित। यज्ञ आचार्य निर्भय नारायण पाठक ने करवाया संपन्न। पंडित नित्यानंद चक्रवर्ती भाई रहे मौजूद, हजारों श्रद्धालु रहे उपस्थित। पुरुलिया का पारंपरिक छौ नृत्य विदेशों में भी बना चुका है अपनी पकड़। पद्मश्री गंभीर सिंह मुंडा की रही है निर्णायक भूमिका। उनकी तस्वीर के साथ जारी हुआ था डाक टिकट। पुरुलिया जिला परिषद मुख्यालय में लॉन्च किया गया डाक टिकट। पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर भी थी मौजूद। बेटे कार्तिक सिंह मुंडा ने किया दावा, पहल से नई पीढ़ी नृत्य कला की ओर होगी आकर्षित। दुर्गापुर के बेना चिट्ठी में अपराधियों ने उड़ाया 1,80,000 रुपए। बीएफसी का पूर्व कर्मी ज्योतिष दास स्थानीय ट्रंक रोड इलाके के है निवासी। सरकारी बैंक से निकाले थे 1,80,000 रुपए। एक युवक ने कहा सड़क पर पड़े हैं उनके रुपए। बातचीत के क्रम में उनके थैले से गायब हो गए सभी रुपए। दुर्गापुर थाने में दर्ज कराई गई है प्राथमिकी। धनबाद जिला अस्पताल SNMMCH की दूसरी मंजिल में है वेंटिलेटर वार्ड। शुक्रवार की देर रात लगी भीषण आग, मच गई अस्पताल में अफरा तफरी। कई मरीजों, उनके परिजनों ने अन्य वार्डों से भागकर बचाई अपनी जान। अस्पताल कर्मियों, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, नहीं हुई कोई बड़ी हानि। आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र के गुलजार मोहल्ले के निवासी में है पुलिस के प्रति आक्रोश। उनका है आरोप, सिविल ड्रेस में पहुंचे स्थानीय फाड़ी से पुलिस कर्मी, कचरा व्यवसाय से जुड़े मोहम्मद अरमान के साथ शुरू कर दी मारपीट। बीच बचाव करने आई उसकी मां से भी पुलिस कर्मियों ने किया दुर्व्यवहार। जाना क्रोध देखते हुए खाली हाथ लौट गए सभी पुलिस कर्मी। निवासी जानना चाहते हैं मारपीट का कारण। मंत्री मलय घटक ने पार्टी नेताओं और कर्मियों संघ की बैठक। आगामी 10 मार्च को कोलकाता की ब्रिगेड सभा को सफल बनाने की अपील। बैठक में शामिल थे नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उप मेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरुदास चटर्जी। सभी प्रखंडों में होगी छोटी छोटी बैठकें। आसनसोल में होगी खुली सभा। जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा रविंद्र भवन में होगी जन संगठनों और जन प्रतिनिधियों की संयुक्त सभा। आसनसोल के पोलो मैदान में शुरू हुआ सप्ताह व्यापी जिला तात्र वस्त्र व सोरो जंगार मेला उद्घाटन किया मंत्री मलय घटक ने। मौके पर उपस्थित थे जिला शासक एस पोन्ना बलम सादर, महाकमा शासक, बोरो चेयरमैन राजेश तिवारी, MMIC गुरुदास चटर्जी। मंत्री मलय घटक ने गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए चल रही राज्य सरकार की कई लोक कल्याण योजनाएं। प्रदेश के कानून मंत्री मलय घटक ने मुलाकात की आसनसोल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से। पारिवारिक कोर्ट के मुद्दे पर की गई चर्चा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने जानकारी देने से किया इनकार। एसोसिएशन कर रहा है इस कोर्ट का विरोध। कोर्ट को अन्यत्र शिफ्ट करने की हो रही है मांग। 23 फरवरी को हुआ है इसका उद्घाटन। इस कोर्ट में जरूरत नहीं पड़ती अधिवक्ताओं की।
जोधपुर के बाराबनी ब्लॉक के केला जोड़ा ग्रामीण अस्पताल की आशा कर्मियों ने जारी रखा है अपनी हड़ताल। आशा कर्मियों का कहना है काम का बढ़ा दिया गया है दबाव, उनके अनुपात में नहीं मिल रहा वेतन, कई मदों की राशि है बकाया। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अधिकारी को दी गई है जानकारी, विशिष्टता में करनी पड़ी है हड़ताल। आज के लिए इतना ही। राजनीति और लोकसभा चुनाव से जुड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बंग आवाज। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।